वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंस। तमाम स्टूडेंट्स को इंतजार था आज 24 मार्च की मीटिंग का। इजलास एनसीओसी का इजलास खत्म हो चुका है, फाइनल डिसीजन सामने आ चुके हैं। शफकत महमूद साहब ने क्या ऐलानात किए छुट्टियों के बारे में, छुट्टियां एक्सटेंड के बारे में, इसके साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज है, किन क्लासेस के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, किन के पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तमाम से आपको ऑथेंटिक न्यूज से आगाह करूंगी। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे वीडियोस की। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 इस वक्त ऑन राइज है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस नोट हो रहे हैं। इसी बेसिस पे शफकत महमूद साहब ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एनसीओसी की जो मीटिंग थी, उसके हवाले से जो उसमें फाइनल डिसीजंस हुए उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारों में तमाम स्कूल्स, तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने यहां तक ऐलान किया है कि अगर कोई स्कूल्स अपने बिहाफ पे टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशंस को बुलाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तो वो उनका राइट है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद हैं। अब किन किन इलाकों में बंद हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में स्कूल्स बंद हैं, उसकी डिवीजन सेम उसी तरह से है जिस तरह पहले थी, लेकिन बाद में भी नोटिफिकेशंस के बाद भी कुछ सिटीज़ एडअप की गई स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस बंद के हवाले से, सेम अब भी होगा। अभी तक जिन इलाकों में स्कूल्स बंद थे क्योंकि उधर ही कॉपरेशन ज़्यादा ऑन राइज है, वहाँ पर स्टिल वो फर्दर जो भी वो उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्म करती रहूंगी। सो इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, एनसीओसी मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं क्लास 1 टू 8, इनके जो ऑन कैंपस एग्जाम्स हो रहे थे वो तमाम एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। अब फर्दर डिसीजंस बाद में 11 अप्रैल तक जो सूरत हाल रहेगी उसके बाद फर्दर डिसीजंस लिए जाएंगे कि उनके लिए कोई न्यू डेट शीट इशू की जाएगी या उन्हें एज इट इज ऑन होमवर्क बेसिस ही नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उनके एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। बाकी बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। 9th, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स के लिए आज की मीटिंग में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं सामने आई, लेकिन ये ऐलान किया गया है कि मुसलसल हेल्थ सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स की हेल्थ को ऑन प्रायोरिटी रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे और अनकरीब डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगी जिसमें सिनेरियो को जज किया जा सके और उस बेसिस पे कब तक आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे उनकी डेट्स जल्द ही आपको बता दी जाएंगी। सो तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और इंतजार करें हमारी नेक्स्ट वीडियो का, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।